19 अक्टूबर साल 1869 को मातिंगिनी हाजरा का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी के तामलुक में हुआ। वे भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थीं। मातिंगिनी को बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1933 में करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरांगना मातिंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी रहीं। साल 1942 में एक विरोध प्रदर्शन के लिए मातिंगिनी लगभग 5000 लोगों के साथ सरकारी डाक बंगले में पहुंच गईं। अंग्रेजों ने 72 साल की उम्र में उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन उन्होंने मरते दम तक तिरंगे को नहीं गिरने दिया और उनके मुंह से वंदे मातरम निकलता रहा। 19 अक्टूबर साल 1910 को प्रसिद्ध खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म लाहौर में हुआ। खगोलिकी के क्षेत्र में उनकी सबसे बड़ी सफलता उनके द्वारा प्रतिपादित चंद्रशेखर सीमा नामक सिद्धांत है। चंद्रशेखर सीमा के प्रतिपादन के फलस्वरूप ही न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल्स का पता चला था। उन्होंने श्वेत द्वार्फ तारों के समूह की अधिकतम आयु सीमा के निर्धारण की विवेचना की। साल 1968 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और साल 1983 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 19 अक्टूबर साल 1920 को पांडुरंग शास्त्री अठावले का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रोहा में हुआ। वे भारत के दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उन्होंने साल 1954 में स्वाध्याय आंदोलन चलाया और स्वाध्याय परिवार की स्थापना की। स्वाध्याय आंदोलन श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित आत्मज्ञान का आंदोलन है, जो भारत के 1 लाख से अधिक गाँवों में फैला हुआ है और इसके लाखों सदस्य हैं। पांडुरंग शास्त्री अठावले के जन्मदिन को मनुष्य गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1999 में पांडुरंग शास्त्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।